स्टार्टिंग में यून ने जियाओ की पूरी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया था। वो बोलता है कि इसको अपने साथ ले चलो, और मैंने इसकी पूरी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया है तो वो फ्यूचर में मेरे साथ पंगा लेने की सोच भी नहीं सकता। पीछे से जो याली कुत्ती है वो बोलती है कि यार नल्ला साला हमको मारना चाहता था, अभी देखो कैसे पड़ा हुआ है। और यून की तरफ देखने लगती है और देखते देखते वो बेहोश होने लगती है। यून बोलता है कि तुम्हारा साथ क्या गलत है। वो बोलती है कि ये यून मुझे ठंड लग रही है, और वहाँ पे बेहोश हो जाती है। यून बोलता है कि इसको क्या हुआ, और उसको उठाकर जो अपेरल है वहाँ पे लेके आता है। अंदर से आ जाती है कि ये यून और बाकी के लोग तुम्हें अंदर आने के लिए मना किया गया है, अंदर होता है चाओ। वो बोलता है कि मैंने इस 50 साल विंटेज अल्कोहल को पाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है, और मैं आज के दिन एंजॉय करने वाला हूँ। तुम्हें ये जो दरवाजे है वो खोलने देने वाला, चाहे कोई भी यहाँ पे आ जाए ये दरवाजा तो नहीं खुलेगा। लेकिन जो यून होता है उस दरवाजे को तोड़ देता है। जो चाओ होता है वो बोलता है कि वहाँ पे कौन है। वहाँ पे आता है ये यून, उसके हाथ में यलिंग और टैंक ने जो जियाओ है उसको घसीट घसीट के यहाँ पे लाया होता है। टैंक बोलते है कि ओल्ड मैन चाओ हम मुसीबत में हैं, हमारी मदद करो। चाओ बोलता है कि ये यून मुझे पता था कि तुम ही होंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें तुम ही कर सकते हो। और यून जो यलिंग को चेयर पे बिठा देता है। फिर टैंक बोलते है कि ओल्ड मैन चाओ हमें मिशन के दौरान थोड़ी प्रॉब्लम हुई है, और मुझे पता है कि आपको बहुत ही ज़्यादा ज्ञान के बारे में पता है, तो जो यलिंग है उसको बचाने के लिए हमारी मदद करो। तो चाओ होता है वो बोलता है कि ये अपेयर्स हॉल है ना कि हीलिंग हॉल, और जब तुम किसी मिशन को एक्सेप्ट करते हो तब तुम्हारी जो जान है वो भगवान के हाथों में होती है, तुम जिंदा लौटोगे या नहीं लौटेंगे वो सब वो तय करता है। और वो यून की तरफ आगे बढ़ने लगता है और बोलता है कि तुम किसी दूसरे को ढूंढो, मुझे दारू पीते समय डिस्टर्ब मत करो। जो यून होता है वो अपनी स्पिरिट ग्लो शॉट टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है, जिससे कि जो चाओ होता है वो शॉक हो जाता है, और उसके हाथ से जो मटका होता है शराब का वो नीचे गिर जाता है और फूट जाता है। वो बोलता है कि ये यून तुम बहुत ही ज़्यादा हिम्मत वाले हो, और क्या तुम मुझसे लड़ाई करके मुझे फोर्स करना चाहते हो ये सब करने के लिए। और अपने पास से एक ट्रेजल निकालता है और बोलता है कि लगता है कि तुम्हें नहीं पता कि मैं कोई ऐसा बंदा नहीं हूँ जिसे कि तुम इजीली हरा सकते हो। यून बोलता है कि नहीं नहीं मैं इतनी हिम्मत नहीं कर सकता, और अपने पास से एक शराब का मटका निकाल लेता है और बोलता है कि लेकिन मुझे डर है कि ये 100 साल पुरानी जो विंटेज एल्कोहल है वो ऐसी खराब हो जाएंगी जिसे कि मैं किसी को देना चाहता था। और जो चाओ होता है वो पड़ से उसके पास आ जाता है और बोलता है कि तुम्हें पहले ही बताना चाहिए था ना, क्या तुम्हें यहाँ पे आने के लिए कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना, मुझे बता दो मैं सब संभाल लूंगा। पीछे से टैंक बोलते कि अभी तो बोल रहा था कि मदद नहीं करूंगा ये नहीं करूंगा, और शराब का मटका देखते ही वो पिघल गया, यार ये कितना शराबी है। फिर जो चाओ होता है वो यलिंग को एग्जामिन करने लगता है, यानी कि चेक करने लगता है। पीछे से टैंक बोलते है कि कैसी है, अब ये ठीक तो हो जाएंगी ना। जो चाओ होता है वो बोलते है कि नहीं नहीं ये जो इश्यू है ना ये बहुत ही ज्यादा रेयर इश्यू है, क्या तुम्हें पता है कि इसको बचपन से ही कोल्ड है। यून बोलता है क्या इसको बचपन से कोल्ड है, मुझे तो नहीं पता था। पीछे से टैग बोलती है कि ओल्ड मैन चाओ इसका क्या मतलब है। चाओ उनको पता लगता है कि इस जन्मजात कोल्ड की जो बनावट है वो मार्शल आर्टिस्ट के बनावट को रेफर करती है, और ये जन्म से जो कोल्ड पॉइजन है उसको अपने साथ लेकर चलती है, और ये जो कोल्ड पॉइजन है वो मार्शल आर्टिस्ट के पूरी बॉडी को खराब कर देता है, और उसको कल्टीवेशन करने में भी दिक्कत आती है। अगर ये कोल्ड पॉइजन बॉडी में और भी ज़्यादा फैल जाता है यानी कि उसका असर बढ़ जाता है तो अपनी ज़िंदगी में भी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उसको गैदर नहीं पकड़ पाएगा। पीछे से टैंक बोलते लेकिन यलिंग तो नॉर्मल लोगों की तरह कल डेट करती थी। फिर चाओ बोलता है ये इसलिए है क्योंकि उसके पास एक ठोस और एक प्योर यंग क्यू है जो कि उसकी प्रोटेक्शन करता है, और उसको जन्म से ही जो आने वाली जो कोल्ड पॉइजन है उससे रेजिस्ट करता है। और दारू पीते हुए बोलता है कि जो यंग ची है उसको स्किलफुली कंट्रोल करना चाहिए, अगर थोड़ी ज़्यादा भी ची हो जाती है तो उसको मार सकती है, या थोड़ी कम हो जाएंगी तो इफेक्ट ही नहीं दिखाएंगी। और बोलता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसने मिशन के दौरान जो पॉइजनस माजमा है उससे बचने के लिए अपनी एनर्जी का इस्तेमाल किया था, और उसने अपने इंटरनल एनर्जी को बहुत ही ज़्यादा कंज्यूम कर लिया है। इसके अलावा जो एरिजन फ्लावर है उसकी हांजी से वो इफेक्टेड हो गई थी, जिससे कि उसकी बॉडी में और भी ज़्यादा जहर फैल चुका है। और अब उसकी बॉडी में दो टाइप की हांची है जो कि उसकी वेंस को उलट पुलट कर रही है, अगर इसको जल्दी ठीक नहीं किया गया तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन तक जिंदा रह सकती है, उसके बाद वो मरी जाएंगी। फिर यून बोलता है इसलिए तो जो मेयर फैंगली है वो मेरे साथ इतनी अच्छी तरह बात कर रहा था, और उसने मुझे वज्रा ग्लास फिजिक्स की टेक्निक भी दी, और उसने कहा कि जो फैंगलिंग है वो इस टेक्निक को कल्टिवेट नहीं कर सकती, और उसने मुझे बहुत सारे रिवॉर्ड दिए, लेकिन वो ये चाहता था कि अगर फैंगलिंग के साथ कुछ हुआ तो मैं उसकी मदद करूँ, वो सही में एक चालाक बुड्ढा है। फिर यून चाओ से बोलता है कि मैं वज्रा ग्लास फिजिक्स को कल्टिवेट करता हूँ जिसमें कि प्योर यांग ची है, क्या ये पॉसिबल है कि मैं उसकी ची को कंट्रोल कर सकूं। जो चाओ होता है वो बोलता है कि नहीं नहीं इसकी जो करंट की जो इंटरनल एनर्जी है
वो एब्डोमिनली डिस्टर्ब है और जो ऑर्डिनरी रेगुलेशन है वो उसको ठीक नहीं कर सकती। हिरण बोलता है, क्या कोई दूसरा तरीका है जिससे कि इसे ठीक किया जा सकता है? चा बोलता है, मुझे लगता है कि जहर को जहर से काटना बेहतर होगा। तुम्हें उसकी बॉडी से जो हांची है उसको निकाल कर अपनी जो यांची है उसको डालना होगा, जिससे कि वो कम्प्लीटली जो कोल्ड सेंट है उसमें बदल जाए। यून बोलता है, क्या कोल्ड सेंट में बदल जाए? लेकिन ये कैसे हो सकता है? चा बोलता है कि हाँ, ये जो जन्मजात जो कोल्ड है ना, ये मार्शल आर्टिस्ट के लिए एक बोझ है, लेकिन एक मौका है कि जो एडवांस मार्शल आर्टिस्ट है वो सेंट के रूप में बदल कर आगे बढ़ सकता है। और उनको पता नहीं लगता है कि ये उन टॉप बनावट में से एक है, और अगर एक बार ये बनावट चालू हो जाने पर जो मार्शल आर्टिस्ट है वो अपने रिलम में बहुत सारी अच्छी अच्छी अचीवमेंट को हासिल कर सकता है, यहाँ तक कि वो अपने से हायर रिलम वाले बंदे को भी आसानी से हराने के काबिल हो सकता है। फिर टैंक हिरन लगती है, यानी कि वो चाऊ का गला, और बोलती है कि तुम इंतजार किसका कर रहे हो, जल्दी करो और यलिंग को बचा लो। फिर रात होती है, फिर एक कमरे के बाहर से आवाज़ आती है कि क्या तुमने जो स्पिरिट एनर्जी को साफ करने वाला मेथड याद कर लिया है जो कि मैंने तुमको अभी भी कहा है? फिर यलिंग बोलती है कि हाँ हाँ मैंने कर लिया है, और वो यलिंग वहाँ पे नहा रही थी। बिल्कुल साइड में अपना ये यूं भी होता है, वो बोलता है कि यार ये सब क्या अभी होना था, और बोलता है कि भूल जाओ इसके बारे में, और उसके तो भूल जाता है और अपने किसी स्किल का इस्तेमाल करने लगता है, यानी कि उसको ठीक करने लगता है। फिर हमें चार दिन बाद का सीन दिखा जाता है जहाँ पे यलिंग एक बिस्तर पे सोई थी, और जैसे ही अपने आँखें खुलती है उसके सामने होती है टैंक। वो टैंक को बोलती है कि ये जगह कौन सी है? फिर टैंक उसको उठाती है और बोलती है कि यलिंग तुम फाइनली उठी गई। यलिंग बोलती है कि सीनियर हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम तो मिशन पे थे है ना? फिर टैंक बोलते है कि हाँ हाँ तुमने सही कहा, लेकिन जो जूनियर ये ना उसने हमें यहाँ भेजा है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे है। फिर यलिंग थोड़ी शॉक हो जाती है, क्योंकि जो टैंक होती है वो यलिंग को ज़्यादा कुछ पसंद नहीं करती, और उसको बोलती भी है जहाँ तक मुझे याद है कि मिशन से पहले पहले तुम उसको पसंद नहीं करती थी, लेकिन अचानक तुम्हें क्या हुआ है? और टैंक बोलती है कि मुझे लगा था कि वो कचरा होगा, वो कुछ काम का नहीं होगा, लेकिन मैंने ये रियलाइज़ किया कि जो मेरी आँखें हैं ना वही ख़राब थी कि उसको अच्छी तरह से देख नहीं पाई, वो तो एक काइंड से कई टैलेंटेड डिसेबल है। पीछे से यलिंग बोलती है कि यार इसके साथ क्या हुआ, क्या इसने अपना सर दीवार में ज़्यादा ज़ोर से पटक लिया, इसकी याददाश्त चली गई, या फिर ये पागल हो चुकी है? फिर वो बोलने लगती है कि तुम्हें नहीं पता तुम्हारे बेहोश होने के बाद क्या हुआ, उसने तुम्हारे ट्रीटमेंट के लिए तुम्हें अपने हाथों से वहाँ तक लेके गया था, तो हालांकि तुम्हारी जो बॉडी थी वो बहुत ही ज़्यादा ठंडी थी, लेकिन फिर भी उसने उठा के लेके गया, और उसने बोला कि मैं तुम्हारे पॉइजन को क्योर कर दूंगा, बस तुम इस कचरे को यानी कि ज़ियाओ को अपने साथ कायम शेख में वापस ले चलो। और मैंने तब हाँ कर दी, और उसके कान में बताने लगती है कि क्या तुम्हें पता है वहाँ भी क्या होता? जो यलिंग है वो भी ध्यान से सुनने लगती है, और हमें उस टाइम क्या क्या हुआ था वो बताया जाता है। जो यून होता है वो बोलता है कि मैंने उसकी जो एनर्जी है उसको साफ कर लिया है, तो अभी हम आगे क्या करने वाले हैं? जो चाव होता है वो अपने पास से एक पिल निकालता है, यानी कि एक इलेक्जर निकालता है, और बोलता है कि मेरे पास एक आइस इलेक्जर है जो कि उसकी कोल्ड सेंथ की जो बनावट है उसकी एनर्जी को एक्टिवेट करेगा, और जब तक ये इसे लेती रहेंगी तब तक वो ठीक रहेंगी, और 7 दिनों के बाद वो अपनी जो एनर्जी है उसको कंट्रोल कर लेंगी। और तुम बहुत ही ज़्यादा लकी हो कि तुम सही बंदे के पास आ रहे हो, पूरे कायरन सेक में सिर्फ मैं ही हूँ जिसके पास की ये इलेक्जर है। फिर पीछे से टैंक बोलती है कि ओल्ड मैन चाव आप तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो, तो फिर जल्दी करो और जो यलिंग है ना उसको बचा लो। लेकिन जो चाव होता है वो बोलता है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो, क्या तुम सही में सोचती हो कि मैं इतना अच्छा भी हूँ? ये जो इलेक्जर ये बहुत ही ज़्यादा रेयर और वैल्यूबल है, अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुम्हें मुझे इसके एक्सचेंज में 500 स्पिरिट स्टोन देने पड़ेंगे। फिर टैग बोलते हैं क्या 500 स्पिरिट स्टोन, ये तो बहुत ही ज़्यादा है, और बोलती है कि आउटर डिसेबल को सिर्फ महीने में 10 ही स्पिरिट स्टोन मिलते हैं, यहाँ तक जो इनर डिसेबल है उसको 20 ही मिलते हैं एक महीने में, तो हम ये इतने सारे स्पिरिट स्टोन कहाँ से लाएंगे? फिर जो यून होता है अपने पास से एक पोटली निकालता है और जो चाव है उसकी तरफ फेंक देता है, और बोलता है कि इसमें 1000 स्पिरिट स्टोन है और बाकी के 500 मेरी तरफ से एक तोहफा रख लो दारू पीने के लिए। फिर जो चाव होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और उसी का अंदर देखने लगता है कि सही में है भी या नहीं, और यून को बोलता है कि तुम सही में बहुत ज़्यादा अच्छे हो, लेकिन मैं ये बात जानने के लिए क्यूरियस हूँ कि तुम्हारा उस लड़की के साथ क्या रिलेशनशिप है। और यून बोलता है कि किसी बंदे का मेरे ऊपर एहसान है और मैंने उससे वादा भी किया है, तो मैं अपने वादों को सिर्फ निभा रहा हूँ। फिर सीन आता है प्रेजेंट में, फिर टैंक बोलती है कि उसने तुम्हारी इलाज के लिए 500 स्पिरिट स्टोन दे दिए, वही आते कि उसने उस अमाउंट का डबल भी दे दिया बिना किसी हिचकिचाहट के। मैंने कायरन सेक में इस जैसा बंदा कभी नहीं देखा, वो बहुत ही ज़्यादा प्रिकॉशियस इंसान है। यलिंग बोलती है ऐसा है तो मुझे उसका जो एहसान है वो चुकाना पड़ेगा, और जो आइस इलेक्जर है वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल है और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, अगर मैं उसकी जगह होती तो मैं किसी बंदे के लिए ऐसा नहीं करती। फिर टैंक बोलते क्या तुम उसका एहसान चुकाना चाहती हो, तो तुम्हें ज़िंदगी भर उसकी सेवा बनी करनी चाहिए,
और आखिरकार तुम 3 दिन और 3 रात उसके साथ जो हॉट स्प्रिंग है वहाँ पे रही, वो भी बिना कपड़ों के। फिर यालिंग बोलते, क्या मैं 3 दिन 3 रात उसके साथ रही, वो भी बिना कपड़ों के हॉट स्प्रिंग में? फिरोज बहुत ज्यादा शर्माने लगती है। टैंग बोलती है कि यालिंग तुम फिर से बेहोश मत होना, जो ओल्ड मैन चाहू है ना उसने कहा था कि तुम्हें अभी भी 7 दिनों तक जो अपनी जो एनर्जी है उसको कंट्रोल में रखना चाहिए, वरना तुम फिर से बीमार हो सकती हो। फिर शेन से होता है, हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि कुर्सी पे बैठा होता, वो बोलता है क्या तुम सच बोल रहे हो? उसके सामने एक बंदा होता है, वो बोलता है कि हाँ, जो येयुन नाम का जो डिसेबल है वो सेक में ज्वाइन होने के बाद बहुत ही ज्यादा घमंडी हो चुका है। वो होता है फैंग एन, जिसका कि येयुन ने कान काट दिया था। वो बोलता है कि उसको एल्डर क्यू का सपोर्ट है और उसने हमारे डिसेबल को परेशान किया है और बहुत ही ज्यादा ह्यूमिलेट किया है, और उसने हमारे डिसेबल के सामने वो सब भी काम किया है, और उसने हमारे बहुत सालों से जो जमा किए जो ट्रेजर है वो भी छीन लिया है, और वो सिंपली क्लाइमेट सेक में जो आपकी पोजीशन है उसको चैलेंज कर रहा है अंकल। वो होता है उसका अंकल, उसके अंकल को आ जाता गुस्सा, उसके हाथ में 2 बॉल रहती है, पता नहीं कौन सी रहती है, वो आगे पता चलेगा। फिर उसका अंकल बोलता है कि ऐसा लगता है कि एल्डर क्यू अंधा हो चुका है, एक ऐसे बंदे को क्लाइमेट सेक में ज्वाइन कराना जो कि बहुत ही ज्यादा घमंडी है, और इसका नाम होता है हांगसियान, जो कि 6th एल्डर होता है क्लाइमेट सेक का, जो कि ट्रांसेंडेंटल रियलम के 4th स्टेज पे होता है। फिर जो फैंग होता है वो बोलता है कि अंकल जो एल्डर क्यू है ना 10वें एल्डर है, और उसको मास्टर किन ने आधे साल पहले रिक्रूट किया था, और जो मास्टर किन है वो अपनी पावर उसको दे रहे हैं, और एल्डर क्यू ने अभी भी जो ट्रेजिडेंट रिलम का जो 4th स्टेज है वहाँ पे ब्रेक थ्रू किया है। जो एल्डर हारता है वो बोलता है कि तुम चिंता मत करो, जो मास्टर किन है उनका यही तरीका है ग्रेटिट्यूड करने का, क्योंकि एक बार उसने उसकी बेटी किन याओ को बचाया था और उसको अभी भी एल्डर की पोजिशन पर प्रमोट किया है, और क्या वो इतनी जल्दी मेरे खिलाफ जाने की कोशिश कर रहा है? और रही बात येयुन की, तो मैं उसको बता दूंगा कि क्लाइमेट सेक में जो हान फैमिली है उसको ऑफेंड करने का नतीजा क्या होता है। फिर फैंग बोलता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंकल, और अपने मन में बोलता है कि येयुन मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारा फ्यूचर क्या होगा, तुम तो अभी मर ही जाओगे, पता नहीं जो मेरे अंकल है वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे। फिर शिन से बताए हमें येयुन को दिखा जाता है। फिर येयुन बोलता है कि मुझे पूरा 1 महीना हो चुका है यहाँ पे क्लाइमेट सेक में आए हुए, और इसलिए हो सकता है कि जो मेरा रिलम है वो हाल फिलहाल में बढ़ चुका है, और जो मेरी स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, अगर मुझे अपनी कल्टीवेशन को और भी बढ़ानी है तो मुझे कोई दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा। फिर ये उनके पास से 2 लोग जाने लगते हैं, वो लोग बातें करने लगते हैं, क्या तुमने सुना कि जो ग्लैडिएटर एरेना है ना उसमें किसने 4 बार लगातार जीत हासिल की है? अगला बंदा बोलता है क्या क्या बात कर रहे हो यार, मुझे बताओ कौन है, चलो जाके देखते चेक करते हैं। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। यून बोलता है कि मुझे याद है जो ग्लैडिएटर एरेना है वो ऐसी जगह है, वो मैचेस के लिए फेयर और ओपन जगह है, यानी कि वहाँ पे कोई धोखाधड़ी नहीं हो सकती, और बैटल चालू होने से पहले जो बाकी के डिसेबल है वो एक साथ स्पिरिट स्टोन एलेक्जर और बाकी के वेपन भी दाव पर लगा सकते हैं। और बोलता है ये तो अच्छी जगह है स्पिरिट स्टोन बनाने की, और अपनी 10-फोल्ड अटैक स्पीड से वहाँ से जाने लगता है, और बोलता है कि मैं वहाँ पर जरूर जाऊँगा, मैं आ रहा हूँ, मेरा इंतजार करो। तो ये भी अपना चैप्टर खत्म होता है। तो आपकी वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।